हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजी जी। आज अभी दोपहर का 2:30 है और हम जा रहे हैं बॉम्बे के लिए। घर से निकल गए हैं और ये मेरे हस्बैंड हमको छोड़ने जा रहे हैं, जो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको डेली अपडेट देती रहूंगी। कानपुर से ही मेरी फ्लाइट है, तो चलते हैं। रास्ते में ही हूँ, घर से निकले हैं। हेलो करो, हेलो। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर मैं आपको वीडियो बनाती हूँ। एयरपोर्ट पहुँच के फिर वीडियो बनाते हैं। अब अंदर आ गई हूँ और यहाँ से अब वो तो हस्बैंड से हमने कहा आप जाओ, क्योंकि अंदर तो आने नहीं दिया जाता है। अब ये फ्लाइट लैंड हुई है, यही फ्लाइट शायद जाएगी और मैं अंदर केबिन से ले रही हूँ, सूट कर दिया। हमने कहा कि दिखा दें आप लोगों को भी, अच्छा लग रहा था मेरे को भी। और गाइस, मैं तो पहली बार फ्लाइट पे बैठ रही हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मेरे को तो झूले से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊंचाई से, अगर ऊंचाई से नीचे देखें तो मेरे को चक्कर भी आने लगता है। और अब बस अब जाने की तैयारी है, लोग चलने लगे हैं, मैं भी चलूँ। एक तो पहली बार अकेले जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, वो भी फ्लाइट में, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा। और हस्बैंड ने जो है विंडो चेयर ले ली कि विंडो चेयर में तुम देखती हुई जाना, तुम्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मेरे को मज़ा नहीं है, मेरे को तो और चक्कर आ रहा था। तो यहाँ बैठ गई विंडो के पास, वो कह रहे थे आराम से सब देखती हुई जाना, नीचे की तरफ देखना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो नीचे देखा तो मेरे को तो, और आप गाइस देखो इतना, वैसे कभी 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 तो बहुत अच्छा लग रहा था, कभी कभी देखने में डर लग रहा था जब बहुत ऊँचे था। और नीचे देखो तब तो डर तो लगता है ऊँचाई से नीचे देखने में। और ये तो चल दिया काफ़ी, करीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तो ऐसे ही चलता है, उसके बाद उड़ान भरता है। मैं भी क्यों बता रही हूँ, आप लोग तो काफ़ी बार बैठे होंगे, मैं तो है खैर पहली बार बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। और अपनी लाइफ में अभी ये अब ऊपर हो गया, अब ऊपर से आप ऊंचाई से नीचे की देखो, मेरे को तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। ये तो कम ऊंचाई है, अभी आप और देखिएगा। और मैंने सोचा ला छोटा सा वीडियो बना लूँ, तो आप लोग भी देखो। और जितना ऊँचा होता जाएगा उतना ही और अजीब सा डर सा लगेगा, लेकिन जब चलता है तो लगता नहीं चल रहा है। और ये बिल्कुल बादल, ये बादल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल बादलों के ऊपर हमें, बादल नीचे हैं। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको लगता है कि बादल आपसे, आपके पास हैं, या आप बादलों से ऊपर हो, उसी हिसाब से लग रहा था। बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे चल रहा है, ऐसा लग रहा था एक जगह खड़ा हो गया तो फील हो रहा था डर कि अरे तो लग रहा है कि खड़ा है प्लेन खड़ा है और चलेगा कैसे, क्योंकि पहली बार भी था मेरा, तो इससे मेरे को तो ज़्यादा डर लग रहा था और अकेले भी। फिर वहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा फ्राइड राइस खाया, मंचूरियन खाया, एयर होस्टेस दी गई थी वही खाया। और नीचे से ऊपर देखती हूँ ना तो मेरे को चक्कर आ रहा है, एक थोड़ा सा देखती फिर मुँह हटा लेती, थोड़ा सा देखती फिर खिड़की से हटा लेती। और ये बॉम्बे आ गया। अब ये यहाँ की बिल्डिंग देखिए आप, इतना सुंदर बिल्डिंग, ऊंची ऊंची सी लग रही थी, ओफो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतनी ऊंची बिल्डिंग तो हमने कभी देखी नहीं है, कानपुर में तो है ही नहीं, ना कानपुर में है ना लखनऊ में इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स है। अब ये लैंड हो रहा है, अब मैं पहुँचने वाली हूँ, बस ये यहाँ आ गई है। अब यहाँ से लगेज लूँगी अपना और बेटा आ जाएगा लेने, बेटे के साथ जाऊंगी। हे गाइस, मैं आ गई हूँ फाइनली बॉम्बे और आप इसे देख सकते हो, ये मेरा लगेज, ये मेरा सामान है, बैची और ये बैग।
और अभी मैं जा रही हूँ, बस लिफ्ट से अंदर जाने वाली हूँ। जिनके घर आई थी उन्हीं के घर जाने वाली हूँ। तो बॉम्बे का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, गजब। मैंने तो कानपुर में कहीं देखी नहीं इतनी ऊंची ऊंची। हाँ ठीक हैं, फ्लैट हैं, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। तो अब मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी बॉम्बे में कि क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो अभी तो आई हूँ और अभी तो गई भी नहीं हूँ घर में, तो चलते हैं, पहले जाते हैं उनके घर जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं आ गई हूँ। मेरी फ़्लाइट आ गई थी 7:05 पे, लेकिन जो है लगेज नहीं मिला। लगेज मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद वहाँ से उनके घर आने में अभी बस जस्ट अभी आई हूँ। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और आप बॉम्बे की काफ़ी चीज़ें देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि आप बॉम्बे में क्या क्या देखना चाहते हो। तो अब मैं आई हूँ तो थोड़े दिन रहूँगी, घूमूँगी और शायद मैं कल लाइव नहीं आ पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। शायद हो सका तो आऊँगी, लेकिन शायद नहीं आ पाऊँगी। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।